अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंगो का सीज़न है, तो हम बनाएंगे मैंगो डिज़र्ट। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने दूध लिया है, मिल्क पैक का 1 लीटर दूध है ये। इसे मैंने अच्छे से बॉयल किया है, इसमें चीनी डाला है हसब ज़रूरत। जितनी आप चीनी पसंद करते हैं उतनी डालें। दूध है अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसमें हम 1/2 कप जो है मैंने दूध लिया था, उसमें मैंने 4 to 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मैंगो का डाला है। ये इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे, इतना कि ये थिकनेस की तरफ आ जाए। मैंगो कस्टर्ड जो है हमारी रेडी हो चुकी है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। मैंगो कस्टर्ड को हम ठंडा होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ ये छोटा सा पैन लिया है, इसमें 1 कप पानी डाला है। इसमें साशे वाला जो जेली का पैकेट आता है मैंगो फ्लेवर में, वो हमने लिया है। 200 ml ये पानी है, यानी कि 1 कप। जेली को भी पका दिया है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जेली को जमाने के लिए फ्रीज में रख दिया है और कस्टर्ड भी ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ हमारे पास है फ्रेश मैंगो, इसकी हम प्यूरी बनाएंगे और कुछ इसके चंक्स बनाएंगे, साइड पे रखेंगे। फिर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। बिस्किट है हमारे पास डाइजेस्टिव का, ये भी टेबल है। और अगर आपके पास मैरी बिस्किट है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे वो नहीं मिला तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। कस्टर्ड जो हमने बनाया था मैंगो का, वो ये रहा ठंडा हो चुका है। जेली बनाया था, वो भी ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास मैंगो चंक्स हैं और ये है मिल्क पैक का क्रीम। बाउल लेंगे हम और यहाँ जो हमने मैंगो लिया है उसको प्यूरी बनाया है, इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क पैक की क्रीम। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हम जो कस्टर्ड की डेकोरेशन करेंगे उसमें बीच में हम लेयर बना सकें। हम आपको दिखाते हैं। ये जो है मैंगो प्यूरी है, आधा हमने साइड पे रख दिया है और आधा लिया हुआ है। इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क पैक की क्रीम। ये देखें, ये प्यूरी में हमने क्रीम डाला है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं। डेकोरेशन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये बिस्किट थी, इसे हमने एकदम से फाइन चॉप किया हुआ है। जो पहला लेयर है हम इस बिस्किट की लगाएंगे इसमें, उसके बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे। दूसरी लेयर जो हमारे पास कस्टर्ड थी हम उसकी लगाएंगे इसके ऊपर। ठंडी करने के बाद हम कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड डाल दिया। तीसरी लेयर है हमारी जो हमने मैंगो प्यूरी बनाई थी, वो हम लगाएंगे इसके ऊपर। तीन लेयर्स हो चुके हैं। अब हमारे पास जो जेली थी ये हम डालेंगे इसमें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी है। ख़ास तौर पर जो मैंगो लवर्स हैं वो तो शौक से खाएंगे। अब ये देखें, जो हमारे पास क्रीम थी और मैंगो प्यूरी मैंने बनाई थी, वो मिक्स करके ये हम इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ हमारे पास है मैंगो के चंक्स, ये हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इस तरह सेंटर में हमने मैंगो के चंक्स रखे हुए हैं। अब इसके साइडों में हम ये जेली लगाएंगे। ये बची हुई बिस्किट्स हैं, इस तरह हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। साइडों में हमने जेली लगाया है, सेंटर पे हमने मैंगो के चंक्स लगाए हैं। आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मज़ेदार सी यहाँ पे हमारी मैंगो डिज़र्ट रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों को। मैंगो लवर्स ख़ास तौर पर ज़रूर ट्राई करें। ये तो आप जानते हैं कि मैंगो का सीज़न भी है और दावतों पे, किसी भी इवेंट पे आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।